हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस के वाई इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सॉल्यूशन अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसके लिए हमारी क्या कंडीशन होगी, देखिए कि a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 7। तो a1 कितना है, 3 है, b1 कितना है, माइनस के है, और c1 कितना है हमारा, 7 है। ठीक है, अब देखिए हमारा 6x प्लस 10y इक्वल टू 3। अब इस केस में a2 कितना है हमारा, 6 है, b2 कितना है, 10 है, और c2 कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब देखिए a1 बाई a2, एक्चुअली c1 बाई c2 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें a1 a2 b1 b2 की ही ज़रूरत है। तो a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 6, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, b1 कितना है हमारा, माइनस के, डिवाइडेड बाय b2 कितना है, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू माइनस के बाई 10। 10 को उधर ले जाइए, 10/2 इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स।